कर्नाटक जिले में पुलिस की रात की गश्त की पोल खुल गई, जब एक ही रात में 6 अलग अलग स्थानों पर चोरी हुई। पूरा मामला जिले के सा थाना क्षेत्र के बगही के शेखपुर का है, जहां पर चोरों ने एक ही रात में 2 मेडिकल स्टोर, 2 किराना, 1 इलेक्ट्रॉनिक और 1 सिलाई की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में चोरों को लेकर दहशत का माहौल है और इन चोरों ने पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। चोरी की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ समेत पुलिस और फॉरेंसिक टीम और घटना की जांच में जुट गए। वहीं घटना से पीड़ित महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह बाहर रिश्तेदारी में गई हुई थी और जब वह घर पहुंची तो घर पर पुलिस पहले से पहुंची हुई थी। महिला के अनुसार सोने चांदी समेत कुल 4-5 लाख की चोरी हुई है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। किसका वजह, कितने चोरियां हुई है, तो क्या क्या गायब हुआ है? सर 4 तो गले मेकर गायब हुआ है, 1 चैन गायब हुआ है, 2 बच्चों का मक्खी गायब हुआ है, बड़ा बड़ा था, कान का 4-5 सेट था, पैर का पौजेब 2-3 धूप में घर पे पहनने वाला पायल था, एकदम चौड़ा चौड़ा वो भी था, बच्ची का मेरे 2 था सर, 1 गले में ऐसे पट्टी लिखने से हार था वो गायब हुआ है सर, रिंग गायब हुआ है सर। कितना अनुमान लगाया जा रहा है? अब 4-5 लाख का हम अनुमान लगा सकते हैं सर। पैसा भी मेरे था, अभी मेरे आदमी आए हैं, सब पैसा था, दुकान में भी पैसा था, घर में भी पैसा था, सब बोलोगे एक भी नहीं, कुछ भी सामान नहीं है मेरे घर पे। आपने थाने पर तहरीर दिया है? नहीं, हम थाने पे वो आए हैं सर, लोग आए हैं सब, सब सर आए हमसे, हमारे आने से पहले हम रिश्तेदारी में चले गए थे, हमारे आने से पहले सब लोग आ गए हैं। सूचना कब मिली आपको? सूचना हमें 5:45 मिली है सर। अब क्या चाहते हैं आप? हम वो चाहते हैं सर, आज मेरे घर में हुआ है, कल के किसी और के घर में हुआ, कभी किसी माँ बाप बेटी का ऐसे होगा, और वो तो आज हम यहाँ पे नहीं थे, अगर हम यहाँ पे होते तो मेरे बच्चे पे भी हमला हो सकता, मेरे परिवार पे भी हमला हो सकता है, हम पे भी हमला हो सकता है, पता है कैसे कोई रहेगा अपने घर में, घर किस लिए होता, किस लिए कोई वो करता है, बताइए कि सुरक्षित लिए तो करता है। प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं सर कि जो ये हमला किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नगर के उसका थाना अंतर्गत शेखपुरा में दुकान और एक घर में चोरी का कारित की गई है, फोरेंसिक टीम तथा अन्य विशेषकृत टीम आ चुकी है, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जल्दी ही इसका अनावरण कर लिया जाएगा।